मात्र उम्र मेरी 5-6 साल की थी और हार्ट का ओपन ऑपरेशन हुआ, जिसे इंग्लिश में माइटल वॉल कहते हैं। स्टेनोसिस हो गया था, वो सुकड़ के चिपक गया था। बहुत तकलीफ होती थी मुझे चलने में, बात करने में। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको रीओपन किया और मेरे पिताजी को कहा कि ये बच्ची बहुत लंबा नहीं चलेगी, 15-20 साल चलेगी। मेरे पिताजी को तो भी खुशी थी कि इतना भी चलेगी तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी अनंत कृपा कि बापूजी उल्लासनगर आए थे तो वहाँ बच्चों को स्कूल से लेकर गए थे। मैंने पहली बार दर्शन किए, किताब मिला था प्रसाद में, लेकिन बापूजी को हमने टीवी पर देखा था। आगे जाने की तो व्यवस्था नहीं थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन शाम को परिवार वालों के साथ फिर से गए थे। ईश्वर की और पुस्तक खरीद के आए, बापू का श्री चित्र लेके आए और धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते एक दिन बाल संस्कार में जाने का अवसर मिला और वहाँ से अहमदाबाद गए घूमने के लिए। वो लेके तो शिविर भरने गए थे पर मेरा उद्देश्य घूमना था, तो घुमाया तो कुछ नहीं, लेकिन झोली में सारस्वती मंत्र मिल गया और वो जप करने लगी तो लगन लग गई, अच्छे नंबर आए, बापूजी का सत्संग सुनने लगे। और जो लगन लगी तो गुरु मंत्र मिला, गुरु मंत्र मिला तो बापूजी एक दिन बम्बई आए और मेरे माता पिता को कहा कि ये रेखा को क्या पका के खाना है क्या तुमको? तो कहा नहीं बापू, नहीं खाएंगे पका के। तो कहा नहीं खाओगे तो मुझे दे दो। तो मेरी माँ ने तो कह दिया कि आपकी, लेकिन मेरे पिताजी के मुँह से हाँ नहीं निकला था। तो बापूजी ने फिर लौट के आए, फिर मेरे पिताजी को पूछे कि क्या इरादा है, तो फिर उन्होंने भी हाथ जोड़ के बोला जो आपको मंजूर है वो हमको भी मंजूर है। फिर ऐसे करके बापूजी के चरणों में समर्पण हो गया और जो तो मैं जीने वाली थी 20 साल, आज 50 साल की आप लोगों के सामने बैठी। तो ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार है और आज भी इतनी यात्रा, इतने सत्संग, मैं दोनों हाथ जोड़कर पूनम पे स्वीकार करती हूँ कि ये बापूजी के कृपा के बिना संभव नहीं है। एक आम आदमी भी जाए ना तो वो भी थक के चूर होके आए, लेकिन ऊपर सिर पे छत्र है, सिर पे कृपा का छत्र है। कहते ना सिर पे गुरु का हाथ है तो फिर डरने की क्या बात है।